मैं आप लोगों से केवल 10 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन को भी जो है सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। इसमें कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपया थी, पहली बार यह डैश ने अनुमानित किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। निम्न में से कौन सा शासक संगम राज चेर से संबंधित नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेडियोन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। पृथ्वी की उपसौर स्थिति महीने में कब होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को होती है। भारत एवं चीन की बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास थे। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत डैश विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का डैश सबसे बड़ा देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। जो पहला स्थान पे है उसका नाम है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले प्रसंस्करण से प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थैंक यू वेरी मच।